Good afternoon guys, my name is Dhruv Jadeja, I am from Ahmedabad. My qualification, I am pursuing BCA in the GTU and I am also a student in the Jet King right now. And if I talking about my family, there are the 4 members of the family and my dates are working in the fire from there. Today we will see the IP address and we see the version of the IP address and the function and how it works. The IP address, अपने नेटवर्क के एटमोस्फियर में अपनी पर्टिकुलर सिस्टम को आइडेंटिफाई होती है तो आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस वो हमारे सिस्टम की एक लॉजिकल एड्रेस है जो हमारे एनआईसी आता है जिसके थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है उसके अंदर मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों आता है। मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। आईपी एड्रेस लॉजिकल चीज है जो अपने हमारे पूरे लाइक नेट में लाइक अपने गूगल पे कुछ सर्च किया है amazon.in हमने लिखा है तो हमारे क्यों पर्टिकुलर हमारे सिस्टम में उसका सर्चिंग आता है वो डिपेंड्स है आईपी एड्रेस पे उसके कारण आईपी एड्रेस आता है। आईपी एड्रेस के वर्जन अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं दो IPv4 IPv6 लेकिन उससे पहले IPv1 V2 V3 वो सब आ चुके थे लेकिन वो उनकी लिमिटेशन में थे और IPv5 भी अभी यहाँ पे अवेलेबल है वर्ल्ड में लेकिन वो सिर्फ वर्जन आईपी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको रिवर्स किया है। ओके टुडे वी से IPv4 अपने एक नेटवर्क में जब 60 मिलियन से अप टू पीसी कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क में तब एक क्लास ए का यूज होता है जो बहुत रेयरली वर्ल्ड में यूज होता है। अप टू एक नेटवर्क में 16 मिलियन से भी ज्यादा पीसी कनेक्ट होते हैं तब फिर आता है क्लास बी। क्लास बी की रेंज स्टार्ट होती है 128.0.0.0 से लेके 191.255.255.255 और क्लास बी का तब यूज होता है कि जब एक सिस्टम में मतलब एक नेटवर्क में 65,000 अप टू पीसी जब एक पूरे एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तब ये क्लास बी का यूज होता है जो लोग कितनी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कितनी बड़ी एमएनसी कंपनी है यहाँ पे क्लास बी मोस्ट ऑफ यूज होता है। ओके और बीच में 127 की जो आईपी है 127.0.0.2 127.255.255 की वो बैकअप लूप पे आईपी वर्जन 4 की जो पूरे लूप में बैक में लूप करती रहती है राउंड राउंड उसका काम वो करती रहती है। ओके फिर आता है क्लास सी की रेंज है 192.0.0.0 से लेके 223.255.255.255 तक की और जिसमें 256 के होस्ट कनेक्ट होते एक नेटवर्क में तब क्लास सी यूज होती है जो पूरे कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्लास होता है अभी वर्जन 4 का तो क्लास सी। फिर आता है क्लास डी और क्लास सी। क्लास डी और क्लास सी कुछ पर्पस के लिए उसको रिजर्व कर किया है। क्लास डी की रेंज है 223 से लेके 224.255.255 से लेके 239.255.255 और उसको कई सारे और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए उसको रिजर्व किया जा चुका है। ओके फिर आता है क्लास सी 240.0.0.0 से लेके 255.255.255 में कई सारी कंट्रीज में भी IPv6 इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है लेकिन अपनी इंडिया में अभी IPv4 ही यूज होता है और इंडिया में 94% IPv4 का यूज हो चुका है मतलब इन सम इयर्स IPv6 का काम भी इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। IPv6 का 128 बिट्स का होता है और IPv6 में 128 ट्रिलियन अप टू के नेटवर्क्स IPv6 में कनेक्ट हो सकते हैं जिसका फ्यूचर हमारे आईटी का हमारे कंप्यूटर का फ्यूचर IPv6 है तो उसके आफ्टर 100 इयर्स अप टू IPv6 इंप्लीमेंट होगा पूरे वर्ल्ड में। ओके थैंक यू। Thank you.